मेरे मुताबिक बहुत ही रिग्रेसिव है। अगर आपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी तो उन्होंने सबसे पहले कहा इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान की फौज को एक बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फौज बनाना। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, और एक सबसे बेहतरीन फौज को आप एक ऑर्डिनरी फौज बनाने में कन्वर्ट करने जा रहे हो। 4 साल के लिए यूथ आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि बेरोजगारी है, कोई और नौकरी के साधन नहीं है, गवर्नमेंट किसी प्रकार के नौकरी के साधन को नहीं जुटा सकी, और 46,000 लोगों को एक ही समय रिक्रूट करने जा रहे हैं, तो लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद में बहुत ही जबरदस्त निराशा छा जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जानते हैं कि 4 साल के बाद में बिना कोई टर्मिनल बेनिफिट्स के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कागज के टुकड़े दिए जाएंगे सर्टिफिकेशन के लिए। आज का जो सैनिक है, लगभग 55,000 सैनिक जो है हर साल रिटायर होते हैं, वो बड़े सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके बावजूद उनको सिवाय गार्ड्स के, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की कोई और ड्यूटी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलती, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको नहीं लेगा, और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो नए रिक्रूट को पसंद करेंगी बजाय उसको जो फौज ने डिस्कार्ड कर दिया, एयरफोर्स या आर्मी ने डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे में ये जो अग्निवीर हैं, वास्तव में ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि इनको बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, इनको बड़ी आसानी से देश के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि उनको साफ तौर पर लगेगा कि हमको आपने इस्तेमाल करके फेंक दिया है। सरकार का ये कहना है कि बहुत सारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा इससे, और आगे आने वाले दिनों में खुद रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा है कि इससे उनको 4 साल के बाद बहुत सारी मंत्रालय, पीएसयूज और इसके अलावा जो राज्य सरकार है आगे जॉब देंगी, तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिलेंगी। देखो, अभी हर साल जैसे कि मैंने कहा 55,000 से ज्यादा बहुत हाई स्किल्ड जवान जो है, ऑफिसर जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर होते हैं। आपने रिसेटलमेंट डायरेक्टरेट भी है, उसके बाद भी केवल 1 या 2% को ही आप लुक आफ्टर कर सकते हो, आप उनको तो नौकरियां दिला नहीं सकते, तो इनको कैसे दिलाओगे? फिर दूसरा, ये 4 साल के बाद में उस सिविल स्ट्रीट में जाएगा, ये 4 साल की उसकी जिंदगी तो बेकार हो गई, क्योंकि उसको आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। आज नौकरियां देश में है नहीं, हर एक नौकरी के लिए कम से कम 100 एप्लीकेंट्स है, और ये कहना कि उसको सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा और सर्टिफिकेट का बड़ा महत्व होगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा, जहाँ तक देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सॉवरेंटी, होमोजेनिटी का तालुक है, उसमें भी वो बहुत बड़ा भागीदार नहीं हो सकेगा। मैं खुद फौज में इंक्लूडिंग ट्रेनिंग 41 ईयर्स रहा, एक अच्छा सैनिक बनने के लिए, चाहे आप इन्फेंट्री में हो या आर्मर में हो या आर्टिलरी में हो या एयरफोर्स या नेवी में, 7 से 8 साल लग जाते हैं। उसकी तो ट्रेनिंग ही 6 महीने है, और आपने 6 महीने के बाद में उसको भेज रहे हो सियाचिन की में या ईस्टर्न लद्दाख में या अरुणाचल में या पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ पे उसके सामने जो है बहुत ही एक शूरवीर से सैनिक खड़ा है, इसका तजुर्बा तो किसी प्रकार का हो नहीं, और साफ तौर पे जानता है कि मेरे को तो 3 साल 4 साल के बाद निकल जाना है, तो क्यों वो अपनी जान को हथेली पर रखेगा? उसकी क्या मोटिवेशन होगी, उसका क्या मोराल होगा, उसकी किस प्रकार की तमन्ना होगा, किस प्रकार का जोश होगा, जिसकी राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं। और जो तीनों चीज की प्रेजेंटेशन है, बड़े ध्यान से सुनी, उनकी साफ तौर पे बॉडी लैंग्वेज दर्शाती थी कि वास्तव में वो स्क्रीन के फेवर में नहीं है, लेकिन उनको मजबूरन एक ऐसा नैरेटिव पेश करना चाह रहा है, किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट के व्यू को सपोर्ट करे। अनफॉर्चुनेटली हमने मानेकशॉ जैसे जनरल नहीं प्रोड्यूस किए जो सरकार को साफ तौर पे कहे ये जो है सही नहीं है और देश के हित में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिहाज से क्या इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया जाएगा उससे इन लोगों को अगर बॉर्डर पर तैनात किया जाता है तो उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? मेरे मुताबिक तो नुकसान होगा, क्योंकि ये किस्म से रॉ सोल्जर होगा। आप देखो, रशिया के सोल्जर्स किस माफी से मारे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है, हाईली सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट है, लेकिन मैन बिहेवियर मशीन का मोराल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, उसकी लीडरशिप पोर है, उसका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पोर है, तो इसका भी ना तो नमक है, ना नाम है, ना निशान है। इसको किसी की परवाह नहीं, इसको परवाह केवल और केवल है अपनी जान की, अपनी फैमिली की, और ये चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से 3 या 4 साल पूरे करे और सिविल स्टेट में दोबारा जाए। अगर इसको पता हो कि अगले 15 साल तक इसको नौकरी करनी है, तब तो वो अपनी जान को हथेली पर रखेगा, नहीं तो क्यों जान को हथेली पर रखेगा? दूसरा, उसको आपने क्या ट्रेनिंग दी है? जैसे कि मैंने कहा कि एक आप राफेल जहाज चलाने के लिए या SU-30 जहाज चलाने के लिए 7 से 8 साल, मैं खुद पायलट हूँ, 6-7-8 साल लग जाते हैं टू बी एबल टू बिकम अ इफेक्टिव पायलट, और वो पायलट जो हवाई जहाज को भी चलाए, उसके अंदर जो वेपन सिस्टम है उनको भी चलाए, दुश्मन को भी पहचाने, उसको बर्बाद भी करे, ये सारी क्षमता देने के लिए इतने साल लग जाते हैं। उसको तो आपने क्षमता दी नहीं, लेकिन मैदान जंग में भेज रहे हो, तो क्या करेगा? कमांडिंग ऑफिसर जो है काफी से ज्यादा
एक किस्म से मुश्किल में पड़ जाएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ये दूसरे लोगों के लिए लाइबिलिटी होगा, पेट्रोलिंग के लिए भी भेजते हो क्योंकि कमजोर तमन्ना है इसका, कमजोर दिल है, उस माफी की ट्रेनिंग नहीं है, उस माफी की मोटिवेशन नहीं है, उस माफी का मोरल नहीं है, क्या वास्तव में ये यूजफुल होगा या दूसरों को भी लेट डाउन करेगा, और जो दूसरे हैं उनके लिए ज्यादा ज्यादा टेंशन बढ़ेंगी, उनके ऊपर लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और हर साल ये बढ़ती जाएंगी।